पन्ना से शरद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना, तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पलटी, एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया। एक ही परिवार के चार महिलाओं की मौके पर मौत, ड्राइवर सहित छह लोग सवार थे कार में, शादी समारोह में जाते वक्त हुआ था हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी स्विफ्ट डिजायर। पुलिस मौके पर पहुंची। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ककरहारी चौकी के नाले के पास की घटना। गुप्ता फैमिली है ककरेटी गांव की, वो शादी समारोह से सतना जिले से वापस आ रहे थे मारुति स्विफ्ट कार से, उसमें करीब पाँच छः लोग बैठे हुए थे, एक ही परिवार की है सभी। उसमें ककरेटी से पहले एक नाला है, उसमें कार पलट गई, उनकी पलट के पुल के नीचे गिर गई थी, उसमें चार महिलाओं की मौत हो गई है और एक बुढ़िया है वो इंजोर्ड है, और जो गाड़ी चला रहे थे वो इंजोर्ड है, दो इंजोर्ड है, बाकी चार लोगों की मौत हो गई। अशोकनगर से हमारे संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आरोन मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतरी और खेत में पलट गई। इस कारण बस के गेट पर खड़े युवक की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में पांच लोग घायल हुए। दुर्घटना आरोन थाना क्षेत्र के बालापुर गांव के पास की है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार यात्री बस शुक्रवार को अशोकनगर से आरोन के लिए आ रही थी, रास्ते में जब बालापुर गांव के पास से गुजरी तभी ड्राइवर ने अचानक स्टीयरिंग फेल होने से ड्राइवर के नहीं संभाल पाया, उससे पहले ही सड़क से नीचे खेत में उतर गई और बस में करीब दो पलटी खाई। ऐसे में इस गेट पर खड़े युवक दिनेश पंत पुत्र बाबूलाल पंत 22 वर्ष निवासी त्रिलोकपुरी कॉलोनी अशोकनगर की मौके पर दबने से मौत हो गई। बारा सिमनी से हमारे संवाददाता आनंद वर्मा की रिपोर्ट। सगी बहन के हत्यारे भाई को आजीवन कारावास की सजा। मामला ग्राम खैरी का है। बलात्कार के बाद बदनामी से बचने की थी हत्या। बारा सिमनी अपनी ही सगी नाबालिग बहन के साथ बलात्कार करने के बाद निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या करके आरोपी भाई रविंद्र बनेटे ने आज प्रथम जिला सत्र अपर न्यायाधीश कमलेश सनोडिया द्वारा विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 11,000 रुपये से जुर्माना किया है। और अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद पंचायत खैरलाजी के ग्राम खैरी निवासी 17 वर्षीय बालक प्रियंसा बनेटेने का सब 5 मई 18 को गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित डब्बा तालाब के पास नाम का लड़का खैरी का निवासी है ये, और इसके ऊपर आरोप था कि उसने अपनी बहन के साथ 17 साल की उसकी नाबालिग बहन थी उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसको चाकू से उसके पेट में और सीने में उसको मारकर उसको दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसकी हत्या किया और लाश को डब्बा तालाब के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। और लाश फिर 5-6 दिन बाद लाश मिली है और इस प्रकार हत्या के कृत्य को अंजाम दिया।